नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लेनेट पर। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ड्यू का जो है लिस्ट आ चुका है प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद, और जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैसेज आ रहे हैं एक दो लोगों का लगातार कि उनका सिलेक्शन हुआ है, तो अच्छा लगता है जब आप इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के, हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ के आप सिलेक्शन लेते हैं। बहुत से पहले से जुड़े हुए हैं, पूरा जो थ्योरी का क्लास है बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट कराया था, और उस हिसाब से जो है आपके नंबर भी अच्छे आए हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा पेपर का लेवल जो है टिपिकल था इस बार, तो उस हिसाब से जो नंबर है, जो मेरिट लिस्ट है वो कम है, और उस हिसाब से आपको कॉल लेटर भी आया है। तो जनका सिलेक्शन हो गया है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब अगला CUET के बैच के लिए आ रहा है, तो इतना परेशान नहीं होना है। म्यूजिक में लिमिटेड सिलेबस होता है, तो CUET 2025 के लिए जब सही समय आएगा तो हम लोग लॉन्च कर देंगे। आप बिल्कुल भी उसके लिए परेशान ना हो, बेहतरीन तरीके से क्लासेस, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा समय के साथ, उसके लिए आप परेशान ना हो। तो ड्यू का आ गया है, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है। दूसरा बात क्या है कि कल जो है BHU का प्रैक्टिकल एग्जाम है। अब बात को समझिए कि प्रैक्टिकल एग्जाम में एक जो चीज़ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देख रहा हूँ पिछले एक दो दिनों से, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कि आप लोग वहाँ पे CV और बायोडाटा के लिए परेशान हो रहे हैं कि ये नया चीज़ क्या आ गया है। देखिए, पहले बात समझिए कि CV और बायोडाटा क्या है। एक नॉर्मल में आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो ये कुछ नहीं होता है, बस आपका बेसिक डिटेल होता है, आपने जो अभी तक अचीवमेंट किया है वही रहता है। ठीक है, और अभी आप कोई जॉब के लिए तो अप्लाई कर नहीं रहे हैं कि पूरा क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या करें। आपको क्या करना है कि 10th से लेके अभी तक 10th 12th आपने कब किया, इससे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, आपका नेम, फादर नेम, आपका पता, आपका ईमेल आईडी, आपका नंबर। अच्छा, ये सब मेंशन कैसे करना है इसको बात समझिए। CV मेकर अगर आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे ना, तो CV के लिए कई सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे अपना डिटेल फिल करेंगे तो वो अलग अलग टेम्पलेट में ऑलरेडी आपको बना कर दे देगा। इसके लिए साइबर कैफे जाके उनसे बनवाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बैठे बना लेंगे, बस उन्हें आप प्रिंट करने के लिए दे दीजिएगा, PDF में आपको मिल जाएगा। तो बेसिक डिटेल अपना फिल कर लीजिएगा, अपना पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे 10th आपने कब किया, कितना परसेंट था, 12th आपने कब किया, कितना परसेंट था, क्या सब्जेक्ट था। बाई द वे 11th 12th में आपका म्यूजिक नहीं है, तो इसके अलावा आपने डिप्लोमा कोर्सेज किया होगा, जैसे प्रयाग संगीत समिति से आपने सीनियर डिप्लोमा किया होगा, तो वो कब कब किया उसका ईयर मेंशन कर दीजिएगा, उसमें कितने परसेंट आए हैं वो मेंशन कर दीजिएगा, बस 10वीं से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें आपने की कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने किसी अच्छे जगह परफॉर्म किया है स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। मैं देख रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे, तो परेशान नहीं होना है। बाकी आपने प्रैक्टिकल के लिए राग प्रिपेयर कर ही लिया होगा, संगीत के जो बेसिक टर्म है ना उसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, वो भी आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक टर्म यानी वही जो आपसे 11th 12th में आपने पढ़ा होगा, और जो CUET के एग्जाम में बेसिक टर्म थे फर्स्ट और सेकंड यूनिट में, उसको देख लीजिएगा, ताल वगैरह के बारे में देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल होने के बाद ना आपसे थ्योरी के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कल के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा आप सबका एग्जाम जाएगा, और पॉजिटिव वाइब के साथ सिलेक्शन ले के आना है, और इस तरह परेशान नहीं होना है कि कम सीट है, सिलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, तभी आपको कॉल लेटर आया है, आपने थ्योरी में अच्छा परफॉर्म किया है, अब प्रैक्टिकल बचा, तो उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसके लिए भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना नहीं सोचना है कि कंपटीशन हार्ड होगा, आप BHU में जा रहे हैं, ये सोचना है कि बस एक सीट आपको मिलना चाहिए और वो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, तो काम रखना है, जैसे आप घर पर परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही आपको वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा माहौल को देख के, ठीक है, लो फील नहीं करना है, नॉर्मल रहना है, रिलैक्स रहना है, समय से पहुँच जाना है, जितने भी चीज़ें लेके जाना है वो सारी चीज़ें आपको मेल में गया था, टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन आपने कर ही लिया है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। CV के लिए मैंने बता ही दिया, बाकी कल के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।